दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और शुगा एरा हैज बिगेन ना ही सिर्फ शुगर शरा मैली ये फाइट जीती अगेंस्ट अजम स्टर्लिंग ना ही सिर्फ उन्होंने टाइटल लिया बल्कि जिस स्टाइल से लिया आई गेस ये पूरा इवेंट जो हाइप थी अलग है वो बहुत कम थी आई I मीन mean, फाइट फिनिश करना एक अलग बात है बट जिस हिसाब से उन्होंने फिनिश की सिंगल पंच और आई थिंक इट्स स्टिल नॉक आउट राइट एक पंच लगाया और जिस हिसाब से नीचे गिरे थे अजमेन स्टर्लिंग बिल्कुल लगा शायद कि फ़ाइट ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट हालांकि टाइम दिया रेफरी ने और हम बात करेंगे कि क्या वो अर्ली स्टॉपेज था या नहीं बट टाइम दिया रेफरी ने कि फ़ाइट आगे चढ़े और शुगर ने कुछ और फॉलोअप शॉट्स लगाए और जो कट दिखाई दिया था इस फाइट के बाद इट वाज ऑब्वियस की आई थिंक उस मोमेंट में फ़ाइट रोकना शायद सही था और इसी के साथ जो ऑड्स थे जो एक्सपर्ट्स थे जो कह रहे थे शायद कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा फॉर शुगर मैली, और अब तक जो उन्होंने फ़ाइट की है ऐसा कुछ उन्हें खास दिखाया नहीं है लगे कि क्या वो इस कैलेबर के फाइटर के साथ इस लेवल पे जाके वो हरा पाएंगे बट ना ही सिर्फ उन्हें हराया बल्कि आराम से हराया मीन राउंड वन अगेन बहुत कंपिटिटिव था बहुत साफ साफ नहीं कह सकते ये राउंड किसका था बट जो तीन जजेस थे वहाँ पे इन्होंने कहा कि ये राउंड था फर्स्ट राउंड था अलजमेन स्टर्लिंग का मे बी बिकॉज जो लास्ट का जो uh, कुछ शायद ट्वेंटी थर्टी मिनट्स थर्टी सेकेंड्स का जो टाइम था वहाँ पे अलजमेन वॉज गेटिंग टाइम कंट्रोल टाइम ऑफ द केज लेकिन जब राउंड थ्री स्टार्ट और राउंड टू स्टार्ट हुआ आई I मीन mean, लगात शायद कि अब फ्लो बना स्टार्ट हुआ है राउंड टू स्टार्ट होते होते ही यू नो अलजमैन ने केज के से बिल्कुल सट के कंट्रोल करने की कोशिश की उस राउंड को और जैसे ही फ़ाइट अलग हुई ओवर एक्सटेंड किया और एक परफेक्ट काउंटर पंच और कलम बात कर रहे थे अगर आप जुड़े थे मेरे साथ लाइव आफ्टर द फ़ाइट कि कैसे लोग कंपेयर कर रहे थे उस उस काउंटर पंच को उस नॉकआउट पंच को विद पंच ऑफ कॉनर मगरेगर अगेंस्ट आल्डो और आई I मीन mean, वो जो टर्म उनकी मुझे याद रहेगी जो कि कल बोली गई प्रिसीज़न बीट्स पावर टाइमिंग बीट स्पीड सो या टाइमिंग परफेक्ट प्रिसज़न परफेक्ट और पूरे राउंड वन में आई डोंट थिंक कोई ऐसा कुछ सॉलिड पंच कोई ऐसा सॉलिड स्ट्राइक लैंड की हो शोना uh, मैली ने और राउंड टू के अंदर जो वो कह रहे थे पहले भी कि अगर एक मिस्टेक अगर वो किया तो वो मिस्टेक उन पर बहुत भारी पड़ेगी और वही हुआ और ये बात मानी अलजमेर ने की वो मिस्टेक थी कि उन्होंने ओवर एक्सटेंड किया जल्दबाजी दिखाई कि वो पास जाएं, और जो गेम प्लान था उससे हट के उन्होंने कुछ किया और वही होता है इस, इस लेवल पे जाके आप ये जो लेवल है जो कि हम बात कर रहे हैं खासकर ऑन चैंपियनशिप लेवल खासकर इस डिवीज़न में जहाँ पे हर कोई हर टॉप फाइव फाइटर शायद चैंपियनशिप लेवल का है एक गलती बहुत भारी पड़ी और इट वाज ओवर और जो इंटरव्यू दिया शोन ने इस फाइट के बाद इन ऑक्टागन परफेक्ट Uh, जो इंटरव्यू दिया अलजमन अलजमिन ने इस फाइट के बाद इन ऑक्टोगन परफेक्ट लाइक ऐसा पहली बार हुआ था शायद एटलीस्ट पिछले कुछ साल में जहाँ पे जिसने फाइट जो चैम्पियन जिसने फ़ाइट हारी है उसने इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी हो न्यू चैम्पियन को कुछ एक्सक्यूज़ नहीं एटलीस्ट उस टाइम पे तो नहीं बाद में कुछ हुआ था बट एटलीस्ट उस मोमेंट में कि उन्होंने कहा कि येस शुगर शोन इज़ गुड ही इज़ वेरी गुड और ये उन्होंने नहीं ये वो बात मानते हैं खुलेआम और आई मीन इट वज़ परफेक्ट फाइट फॉर शोन मैली उनके अकॉर्डिंग मैं अपने नोट्स पढ़ रहा हूँ कि फाइट से इस फाइट से छः हफ्ते पहले उनका एक रिब इंजरी हो गई थी उसकी वजह से वो uh, ग्रैफिक नहीं कर पा रहे थे और उनके माइंड में ये था कि ये फ़ाइट ग्राउंड पे गई तो ये फाइट मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा जीतना और उनके माइंड में ये था मरने या माने वाली बात की फ़ाइट ग्राउंड पे जाएगी तो ये फाइट इज़ ओवर आई के नॉट डिफेंड बिकॉज छः हफ्ते से इन्होंने कोई भी क्रैफिंग नहीं की थी और आई I मीन mean, पूरा जो माहौल बना था इस फाइट से पहले भी जो क्राउड था वो जिस हिसाब से वो कर रहा था अलजमिन को खासकर जब अलजम का जो घर है वो ज़्यादा दूर नहीं है और शाह मलिक के लिए जो जो उनकी एंट्रेंस वो एंट वो सॉन्ग परफेक्ट लाइक मैं बहुत ईजी है कहना कि सिमिलैरिटीज़ विद कॉनर बट uh, येस yes, लगा कुछ पल के लिए कि यस yes, ये जो वाइब ही जो माहौल बन रहा है जो फैंस जो यू नो सपोर्ट कर रहे हैं शोना मैली को याद दिला रहे हैं मुझे एक एक आयरिश मैन की um, क्या ये विक्ट्री इतनी बड़ी थी जैसे कि जो थी हॉजे आल्डो वाली विद कॉल मग्रेगर मे uh, बी शायद नहीं बट मोमेंट आई थिंक बहुत पास एटलीस्ट फॉर फैंस एक बहुत बड़ा मोमेंट था नाउ इस जीत के साथ डेफिनेटली uh, ये बात साफ़ है कि uh, शोना मैली जो कि स्टार थे अब सुपरस्टार बन जाएंगे या बन चुके हैं आप उसको जिस हिसाब से देखें एंड ऑबियसली अजय स्ट्रगलिंग उनके पास जो क्या कह रहे थे वो कि मे बी ही विल फाइट इन नेक्स्ट डिवीज़न उन्होंने कहा कि ही विल वेट एंड शायद री मैच वो करना चाहेंगे जिसको बिल्कुल साफ़ मना किया शर्म मैली ने कि नहीं नो री मैच नो नो ची टू वेराउट नेक्स्ट और स्मार्ट उन्हें अब तक पूरा कैरियर स्मार्टनेस के साथ खेला है तो क्यों नहीं वो अभी खेलें उसी के साथ जब वो चैम्प बन गए हैं बट ओवरऑल आई थिंक री मैच में भी हो सकता है ले लेट सी कब बट यस इस दिस इवेंट जो हाइप थी वो बहुत कम थी फ्रैंकली uh, जिस हिसाब से ये फाइट हुई और जिस हिसाब से परफॉर्म किया शोन मैली ने आई मीन कम ऑन यानी चैम्पियन बनना इस तरीके से uh, शायद पीटर यान फाइट से पहले कोई इतनी बड़ी फाइट के पास नहीं थी तो आई थिंक ये आई थिंक पहला टॉप फाइव फाइटर था अगर मैं गलत नहीं हो तो बट फिर भी हाइप फॉज रियल एंड ही इज़ फॉर रियल सोना मैली इज़ द गाय ही इज़ द मैन जिसकी वो कह रहे थे अपनी एक इंस्टाग्राम वीडियो में कि आई एम द मैन आई एम द मैन तो दोस्तों बड़ा मज़ा ये फाइट देख के फ्रैंकली एंड वेरी वेरी यू नो सरप्राइज ये फाइट इस तरीके से एंड हुई आई थॉट कि ये फाइट लंबी जाएगी वॉर होगी यू नो खून बहेगा बट सोना मैली इज़ दैट गुड और ही इज़ द यूर चैम्प फॉर श्योर एंड ही इज द स्टार लैस और दोस्तों अब सवाल ये कि क्या होना चाहिए उनके नेक्स्ट क्या वो वेट करें वो फाइट करें अगेंस्ट इटोवेरा या फिर वो वेट करें और चांस दें फिर से एक बार अलजमैन को वाट ड्यू थिंक आप मुझे तेरे कमेंट्स के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम टेक केयर बाय बाय